हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन सर्कल का लगा कि आप तक शेयर करना चाहिए। पहले इस क्वेश्चन को मैं ये डिस्कस कर दे रहा हूं कि ये एक बिगर सर्कल है। बिगर सर्कल का रेडियस 12 दिया है। कितना दिया है प्यारे बच्चों, मतलब ये बड़ा सर्कल जो है इसका रेडियस कितना दिया है प्यारे बच्चों, 12 दिया है। क्लियर है। अब क्या है बच्चों, ये इसका डायमीटर है, ये भी क्लियर है। ये ब्लू सर्कल दिखाई दे रहा है जिसका रेडियस बी दिया है, ये रेड सर्कल है इसका रेडियस ए दिया है, ये छोटा वाला जो ब्लैक सर्कल है इसका रेडियस सी दिया है। तो प्यारे बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू व्हाट? क्वेश्चन नहीं समझ में आया, एक बार फिर से। ये बिगर सर्कल है, इसका रेडियस 12 है। कितना है भाई, 12 यूनिट है। क्लियर है। ये ब्लू सर्कल है उसका रेडियस b है, ये रेड सर्कल है इसका रेडियस a है, और ये छोटा वाला ब्लैक है इसका रेडियस c है। और ये क्या है प्यारे बच्चों, ये सेंटर है बिगर सर्कल का। क्या है जी, ये सेंटर है। एनी डाउट? ये इसका सेंटर है, ये इस सर्कल का सेंटर है, और ये इस सर्कल का सेंटर है। इतना के बाद तो क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा प्यारे बच्चों। अब आपका काम है कि कॉपी और पेन लीजिए और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होगा इसके लिए प्रयास करें, उसके बाद आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये किसी भी क्वेश्चन के लिए मैंने क्या बोला है, कुछ सेकंड तक इसको ध्यान से देखें। जैसे ही आप ध्यान देते हैं तो प्यारे बच्चों, ये बी है तो ये भी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी ही हो जाएगा। क्लियर है। अरे इसका रेडियस बी है तो ये बी ही हो गया, तो बी और बी मिलकर कितना हुआ, 2b। और ये 2b जो है ये कितना आ चुका है, मतलब जो दिया कितना है। अरे भाई, ये बिगर सर्कल का रेडियस तो 12 दिया ही है, तो इतना इक्वल टू 12। एनी डाउट? तो प्यारे बच्चों, बी इक्वल टू 6, बी 6 निकल चुका। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट? अब सिर्फ और सिर्फ बी निकल चुका है, ए और सी की तलाश है। ए और सी निकल जाएगा, यहां पुट कर देंगे, उसका सम कर लेंगे, आंसर आ ही जाएंगे। प्यारे बच्चों, ए कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए तो और प्रयास किया जाए कुछ। इससे मैंने इसको क्या किया है, मिला दिया है। ऐसा क्यों किए सर? प्यारे बच्चों, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसका नाम दे दे क्या, ओ, इसका पी, और इसका नाम मैंने दे दिया क्यू। ओ पी क्यू जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इससे सर क्या फायदा? प्यारे बच्चों,
आपको मालूम है कि ये बी है और बी निकाल चुके हैं, नहीं समझ में आया, आइए इसको साइड में बनाया जाए। प्यारे बच्चों, ओ पी और क्यू, अब प्यारे बच्चों ये बी कितना है, तो बी सिक्स है, ये पी क्यू कितना हो गया प्यारे बच्चों, तो आपको मालूम है कि ये जो है इसका रेडियस कितना है जी, ये रेडियस दिया है बी और इसका रेडियस कितना है ए, अरे भाई इसका रेडियस तो ए है, तो ये टोटल प्यारे बच्चों हो गया कितना, ए प्लस बी, एनी डाउट, ए प्लस बी। अब प्यारे बच्चों ये ओए कितना था, सारे लोग बोलिए ओए कितना था, ओए मेरा है 12, अरे भाई ये बड़ा वाला का रेडियस कितना है 12 है, तो ये पूरा हो गया 12 और ये वाला हो गया ए, ये ए हो गया, तो बचा हुआ कितना हुआ 12 माइनस ए, तो प्यारे बच्चों ये हो गया मेरा 12 माइनस ए, कोई डाउट है, फिर से एक बार, ये पूरा बड़ा वाला कितना है जी, पूरा बड़ा वाला कितना है, ये दिया है मेरा 12, एनी डाउट, बिगर का रेडियस कितना है 12, इसका रेडियस कितना है ए, तो ओपी कितना हो गया, अरे भाई ये 12 है इसमें से ए माइनस कर दीजिए, तो ये बचा हुआ हो गया 12 माइनस ए। और सिंपल आपको मालूम है, जैसे ही आप पाइथागोरस का यूज करिएगा तो आपको ए निकल जाएगा, नहीं समझ में आया, आइए यहां देखा जाए, पाइथागोरस का यूज क्या होता है प्यारे बच्चों, सारे लोग बोलिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 12 माइनस ए का स्क्वायर, एनी डाउट, बी मालूम है, बी कितना है प्यारे बच्चों, बी मेरा 6 है, एनी डाउट, तो बी मेरा हो गया 6, आइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सारे लोग बोलिए ए स्क्वायर 12a 36, चलिए प्यारे बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर 12 स्क्वायर 144, कितना जी 24a, प्लस a स्क्वायर, प्यारे बच्चों आप ध्यान दीजिए, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 36 से 36 कैंसिल, अब ये है 24 इधर आया तो कितना हो गया 24 और 12 है, कितना हो गया प्यारे बच्चों 36a = 144, तो 36a = 144, तो ये कितना टाइम्स में कट गया, सबको मालूम हो गया कि ये 4 टाइम्स में क्या हो गया जी, कैंसिल हो गया, तो प्यारे बच्चों मेरा ए भी मालूम हो गया, एनी डाउट, ए भी मालूम हो गया, बी भी मालूम हो गया, इस खूबसूरत क्वेश्चन आपको धीरे धीरे लग रहा होगा कि थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें और क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही बेसिक मालूम पड़ेगा और यह आप समझ जाइएगा कि कौन से रास्ते तय करने हैं। तो आइए मेन पॉइंट पर, अब क्या पता करना है, अब पता करना है सिर्फ और सिर्फ सी, ए भी निकल गया बी भी निकल गया, प्यारे बच्चों इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कितना आया प्यारे बच्चों ए कितना, बी कितना, एनी डाउट, इसको इरेज कर सकते हैं। अब आइए सी की तलाश, प्यारे बच्चों
ये कितना है प्यारे बच्चों, ये C है तो ये कितना है, C है, रेडियस है। प्यारे बच्चों ये ध्यान दीजिए कि ये वाला पार्ट कितना है, ये C है और ये पूरा 12 है। देखिए इसको, ये रेड वाले को फिर से पकड़कर इधर ला रहे हैं, एकदम इसमें आपको कंफ्यूजन है तो इस ट्रायंगल को उठाकर इधर लाइए और एकदम सिंपल हो जाएगा। प्यारे बच्चों रेड वाला ट्रायंगल, तो आइए रेड से बना लें। प्यारे बच्चों ये कितना है, C, यहां से यहां तक ये कितना है, ये पूरा 12 है और ये C हुआ, तो ये बचा हुआ कितना, सारे लोग बोलिए कितना, ये बचा हुआ हुआ 12 माइनस C। नहीं समझ में आया, अरे भाई बिगर का तो रेडियस 12 दिया ही था, तो ये पूरा हो गया 12 और ये C है तो ये बचा हुआ कितना हुआ 12 माइनस C, और ये मालूम नहीं है तो इसको मैंने मान लिया X। एनी डाउट, इस ट्रायंगल में क्या होगा बच्चों, पाइथागोरस का यूज कर लीजिए, 12 माइनस C का स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। एनी डाउट प्यारे बच्चों, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 24 सी। इसको करने से सर क्या फायदा हुआ, एक तो एक्स और अननोन आपने बढ़ा दिया, हमें तो C निकालना है। प्यारे बच्चों यदि इधर भी C में टर्म है और एक और X का इक्वेशन C में ही आ जाए तो दोनों को इक्वेट करके C निकाल लेंगे। ये कैसे आपको पहले पता चल गया सर? प्यारे बच्चों ध्यान से आप देखिए कैसे पता चलता है, ये इतना को मैंने क्या माना था X, ध्यान से देखिए आप इस चीजों को, और मैं क्या कर रहा हूं, यहां से इसके डायरेक्ट क्या लिया जी, पैरेलल लिया और एक रेक्टेंगल बना दिया, तो ये X है तो ये भी X हो गया। प्यारे बच्चों अब इस ट्रायंगल की बात कीजिए, ध्यान से देखिए आप, ये हुआ और क्या हुआ जी, ये क्लियर है, इस ट्रायंगल को मैं उठाकर ला रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, ये एक्स था तो ये भी कितना हो गया जी, ये एक्स था तो ये भी एक्स है। एनी डाउट प्यारे बच्चों ये कितना हो गया, ये तो प्यार से देखिए तो ये पूरा बी है, ये पूरा बी है, ये पूरा क्या था जी, बी था, ये बी है तो ये बी है, इसका रेडियस भी दिया है, और ये सी है तो प्यारे बच्चों ये भी सी हो गया। अरे ये सी है तो रेक्टेंगल के सामने क्या होता है, ये C है तो ये भी C, तो ये C हो गया, ये पूरा B है तो बचा हुआ कितना हुआ, सारे लोग बोलिए B माइनस C। एनी डाउट B माइनस C, और ये कितना हुआ प्यारे बच्चों, ये इतना B और इसका रेडियस C, तो ये टोटल हो गया B प्लस C, तो
इससे क्या फायदा सर? अरे भाई बी मालूम है ही, तो एक्स का इक्वेशन सी में आ गया और यहां भी एक्स का सी में आ गया, तो इक्वेट कर देंगे तो सी निकल गया। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, ये एक्स था तो ये भी एक्स की है, ये पूरा बी था ये सी है तो ये सी हो गया, तो बचा हुआ हुआ बी माइनस सी, ये पूरा बी प्लस सी। कैसे? अरे भाई इसका रेडियस बी इसका सी, तो टोटल हो गया बी प्लस सी। प्यारे बच्चों इसमें क्या कर देंगे, पाइथागोरस का यूज कर लीजिए और खेल को खत्म कीजिए। एनी डाउट? तो प्यारे बच्चों अब आप इस रास्ते पर पहुंच चुके हैं कि एक बेसिक क्वेश्चन के तरफ आ चुके हैं। कितना हो गया प्यारे बच्चों इस ट्रायंगल में, सारे लोग बोलिए। एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर। बी कितना है प्यारे बच्चों? बी मेरा दिया है कितना, सिक्स। चलिए स्टार्ट कीजिए। ए स्क्वायर टू ए बी बी स्क्वायर, ये कितना हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 36 माइनस 12c अब प्लस सी स्क्वायर। दिक्कत है क्या भाई? एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों 36 से 36, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया, माइनस 12c उधर गया तो ये हो गया 24c, यहां पुट कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर मेरा हो चुका है 24c। ट्वेंटी फोर उधर गया 48c, कितने टाइम्स में कैंसिल हुआ प्यारे बच्चों, ये 3 टाइम्स में कैंसिल हुआ, तो सी इक्वल टू 3, तो मेरा सी भी मालूम हो गया। तो प्यारे बच्चों फाइनल आंसर कितना, 4 + 6 + 3 इक्वल टू कितना, 13। तो ए प्लस बी प्लस सी मेरा मिला 13। आप और हम मिलकर एक प्यारा सा सर्कल का मेंसुरेशन टाइप का क्वेश्चन को एकदम प्यार से हम लोग सोल्व किए। तो ऐसे ही आप जुड़े रहे, एक से बढ़कर एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को आप तक लाने का प्रयास रहेगा। और इससे क्या फायदा होते हैं, इससे आपके स्किल डेवलप होते हैं, इससे आपके सोचने की शक्ति बढ़ती है। तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का आप कलेक्शन जरूर रखें और उसको प्रैक्टिस करें, जिससे आपको धीरे धीरे नॉलेज ग्रोथ होगा और आपको सोचने की शक्ति भी बढ़ेगा। और जब सोचने की शक्ति बढ़ने लगेगा तो धीरे धीरे आप थ्योरी को रिलेट करना भी समझ जाइएगा कि कौन कहां यूज होगा। तो लास्ट में कुछ बच्चे तो सोल्व कर ही लिए होंगे और जिन बच्चों से नहीं हुआ होगा तो उनको धैर्य रखना है, क्योंकि जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां नसीब को भी झुकना पड़ता है। आप कोशिश कीजिएगा तो क्या होगा, प्रयास करेंगे नसीब झुकेगा और धीरे धीरे पता चलने लगेगा कि कहां पर कौन सा काम करना है और आपसे क्वेश्चन सोल्व हो ही जाएंगे। इसीलिए मैं क्या कहता हूं कि जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं। तो जिसको जीतना है तो इस क्वेश्चन से लड़ना पड़ेगा, मतलब इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन से आपको लड़ना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।